यह है कि ये तो राजा भोजपुरिया जो नाम था ये तो मैंने खुद नहीं रखा, ये लोगों ने इस नाम को हाँ ये राजा नाम क्या ओरिजिनल मेरा नाम मोहम्मद अजमल हुसैन नाम है वो सर अजमल रहो नई हरवाए मैया अरे बनल रहो ससुरवा आहे हे बराबा दिहतुए मैया चमके मांगी के सेनु। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी गढ़हनी में हैं हम और गढ़हनी में आपको एक बहुत ही सुंदर गायक से आपको मिलवाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी और सुरीली गायकी है और राजा भोजपुरिया के नाम से इनको लोग जानते हैं। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और मैं समृद्धि न्यूज को पहले बार बार नमस्कार करता हूँ और जितने भी हमारे जनता हैं सब फ्रेंड हैं सबको मैं दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं। और जैसे क्या कहेंगे चूँकि जिस तरह की स्थिति अभी भोजपुरी में बनी हुई है, हालांकि पहले तो काफ़ी विवाद चल रहा था और विवाद के चलते बहुत सारे नए कलाकारों को लग रहा था कि उस विवाद के चपेट में आ जाने के चलते हम लोग प्रमोशन हम लोग का नहीं हो पाता है, तो अब तो विवाद भी खत्म हो गया, सब लोग एक दूसरे से भाई भाई भी हो गए और कहीं ना कहीं भोजपुरी में तमाम अच्छे अच्छे गीत भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत को प्राथमिकता, हालांकि आप तो शुरू से ही अच्छे गीत गाते हैं, तो क्या कहेंगे आपका क्या कहता है ओपिनियन इस मामले में? एक्चुअली देखिए ये है कि विवाद से तो मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ और मैं आज तक जातिवाद पे गाना भी नहीं गाया है कभी भी नहीं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल किसी को ठेस पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार मेरे लिए सब चीज़ है, सब भगवान स्वरूप है, और मैं भी कोशिश किया हूँ, अभी भी 10-15 गाने अभी मैं गा कर आया हूँ, अभी लगातार आने वाली है, लेकिन सब सामाजिक रहेगी और जैसे पब्लिक जो ढूंढ रहा है उस तरीके से मैं कोशिश चाहेंगे कि एक देवी गीत सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाइए। देवी गीत तो मैं मेरा एक चैनल से आया था जो 2015 में आया था, राजा गावे भजनिया माई के, बहुत अच्छा लोगों ने उसको सुना, सराहनीय दिया, मैं उसको सुना रहा हूँ। अरे माँ बनल रहो नई हरवाए मैया अरे बनल रहो ससुरवा आहे हे बराबा दिहतुए मैया चमके मांगी के सेनुरवा। क्या बात है, राजा भोजपुरिया है और देवी गीत गवाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना नाम राजा भोजपुरिया इसलिए रखा कि जाति धर्म से परे हट के लोग मुझे जाने, और मैं आपको बता दूं कि हैं तो ये मुस्लिम लेकिन देवी गीत गाए कितने शौक से और कितने अरमान को पाले हुए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इन्होंने जाति धर्म को हटा के और जिस तरह का समाज का इन्होंने अपने आपस में जो समाज का इन्होंने निर्माण किया है वाकई तारीफ़ के काबिल है, और हर भक्ति गीत से जुड़े रहते हैं और तमाम चीज़ों को छोड़ के एक गायक का जो जाति होना चाहिए, क्योंकि गायक का एक ही जाति है कि वो गायक है, तमाम लोगों को इंटरटेन करे जिससे हमारे गाने से लोगों को एक मैसेज मिले, वो काम राजा भोजपुरिया शुरू से ही करते आ रहे हैं। और क्या कहेंगे? बात यह है कि ये तो राजा भोजपुरिया जो नाम था ये तो मैंने खुद नहीं रखा, ये लोगों ने इस नाम को हाँ ये नाम क्या ओरिजिनल मेरा नाम मोहम्मद अजमल हुसैन नाम है वो सर अजमल हुसैन, मैं सुरसंग्राम महुआ चैनल पे मैं आया था तो सर्टिफिकेट के नाम से ही आया था, तो उस टाइम मेरा मोहम्मद अजमल उर्फ राजा भोजपुरिया चलता था, जो लोगों ने राजा मेरा पुकारू नाम है तो भोजपुरिया टाइटल डाल दिया। ये देखिए मोहम्मद अजमल हैं और मैं आपको बता दूं कि लोगों ने इनको राजा भोजपुरिया बना दिया, कारण ये है कि इनके अंदर वो कोई चीज़ दिखा ही नहीं जो इनके धर्म को जोड़ता हो, चूँकि ये समाज के लिए समाज को इन्होंने अपना धर्म बनाया तब जाके लोगों ने इनको राजा भोजपुरिया कहा। क्या कहेंगे और बताइए? और एक चैनल से अभी लॉन्च हुआ था वेब चैनल से, उसमें मैं एक गाना गाया था कि लाली बाली बिंदिया कजरबा अरे सजल रहे सो रहो सिंगरबा हो आहे इहे बरबा दिहतुए मैया चमके मांगी के से नूरबा। देखिए अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और सुर इतना लाजवाब है कि अब क्या कहें, एकदम मिजाज एकदम दिल को छू जाता है, इतना बढ़िया गाते हैं कि मिजाज खुश हो जाता है। और मैं दर्शकों से यही अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग जो भी मैटर आ रहा है अभी ये जो जात पात से लेके इससे हट के लोग सुने, देखिए गाने वाला ऐसे नहीं गाता है जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं,
तब तक वो उसको मिलेगा कैसे। इसलिए अच्छे गाना आप लोग सुनिए और अच्छा जो गा रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो चल रहा है भोजपुरी में, जो जितना भी गंदा गाना जो चल रहा है, अश्लीलता है, जातिवाद है, ये आप लोग सुन रहे हैं तभी लोग गा रहा है, इसको आप लोग निगलेक्ट कीजिए और अच्छे गाने भोजपुरी गाना को आप लोग आगे बढ़ाइए। भोजपुरी अपना एक मिजाज होता है, कहाँ कहाँ देश विदेश लोग भोजपुरी को लोग लेकर जा रहे हैं, तो आप ही लोगों को लेकर जा रहे हैं, आप ही लोग लेकर जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग अच्छे गाने सुने और इस राजा भोजपुरिया का आप लोग सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, राजा भोजपुरिया को प्यार दुलार दीजिए, आप गायकी सुन ही लिए, और जाति धर्म से परे हट के राजा भोजपुरिया हमेशा से ही अच्छा गीत गाने के लिए जाने जाते हैं। इनको सपोर्ट कीजिए, अच्छे गाने वाले को सपोर्ट कीजिए, मिजाज के लिए ये जाने जाते हैं, अच्छे गीत गाने के लिए जाने जाते हैं। कभी भी इन्होंने इनके कैरियर में कभी भी इनका धर्म बाधा नहीं आया, क्योंकि ये जाति धर्म से परे हट के काम करते हैं, अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और राजा भोजपुरिया के भी चैनल को आप सर्च कीजिए और इनके भी गीत को सुनिए और इनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। खबरों के साथ बने रहिए, कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।